जूही मैं आ ही रही थी। ये लो तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध, तुम्हारी एलर्जी को आराम मिलेगा। अभी कैसा फील कर रही हो तुम? अच्छी हूँ, थैंक यू जूही। अच्छा जूही, जो बाहर तुमने और मिस्टी ने रंगोली बनाई है ना, वो बहुत ही सुंदर है। तुम दोनों भगवान के बंदे के पास ही बनाओगे रंगोली? मिस्टी, जैसे आपने बाहर रंगोली बनाई थी ना, वैसे ही अपनी जूही फ्रेंड के साथ मिलकर भगवान के बंदे के सामने रंगोली बनाओगे? अभी? हाँ, अब ये बिलेटेड दिवाली पार्टी हम आपके लिए तो रख रहे हैं। प्लीज। श्वेता, धीरे दे, थोड़ी चाय शाय पिलाएगी क्या मुझे? मैं बना ही रही थी आपके लिए चाय। प्रकाश आज जल्दी ऑफिस जा रहा है, उसके लिए डब्बा बना देना। अरे नहीं बेबी, नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, आज कोई भी बाहर नहीं जाएगा, आज हम सब घर में साथ में रहेंगे। गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगलबंदी है तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंदू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। हा? और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मेरे ख्याल से It's a brilliant idea. इतना वक्त हो गया हम लोगों ने साथ में कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं किया। विजयदशमी के दिन भी हम लोग साथ में नहीं थे और दिवाली के दिन भी साथ में नहीं थे। लेकिन पुत्र, दिवाली तो खत्म हो चुकी है ना। बेबे, जब दिवाली की बिलेटेड विशेस कर सकते हैं तो बिलेटेड सेलिब्रेशंस क्यों नहीं कर सकते? अब बस बहुत हो गया टेंशन टेंशन का गेम। अब मैं चाहता हूँ कि आज के दिन हम लोग रिलैक्स करें और एक साथ टाइम स्पेंड करें। और हम खेलेंगे इंडिया का फेवरेट गेम अंताक्षरी। एंजल, ये अंताक्षरी कौन सा गेम है? अंताक्षरी ना गानों का गेम है। पर सर, तो मुझे गाना भी नहीं गाने देते थे, गेम्स भी नहीं खेलने देते थे। बेटा यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंजल और सुपरमैन है जो आपको सारे गेम्स खेलने देंगे और आपको कभी नहीं रोकेंगे। भाई मैं तो ना मिस्टी की टीम में रहूंगी अंताक्षरी में। बेबे मैं काम करती हूँ, सबके लिए पकौड़े बना के लाती हूँ, और अगर किसी की कोई खास फरमाइश है तो बता दो। हाँ, मुझे प्याज वाले अच्छे लगते हैं। मेरा तो व्रत है आज। तूने कब से व्रत शत रखने शुरू कर दिए? चल जो तेरी मदद मैं करती हूँ, फिर ना एक लिस्ट भी बना लेते हैं कौन सा काम किसने करना है। मैं अवनी की डेकोरेशन में मदद कर देता हूँ। अवनी चलो, हम चल के डेकोरेशन करते हैं आज। चल भाई, हम बैठ के लिस्ट बनाए। तू क्या करेगी? मैं तू ना पटाखों का डिपार्टमेंट संभाल ले, वैसे भी वक्त बेवक बम फोड़ना तेरी आदत है ना, तू वही काम कर। बम तो फटेगा ही आज, और वो भी जूही पर।